हेलो फ्रेंड्स, इडियट कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हो, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन आप लोगों के लिए डेली लाते रहता हूँ। तो आज भी इस वीडियो में मैं आपको एक अपार्टमेंट का प्लान लाया हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर पर मैंने कमर्शियल सेट किया था शॉप वगैरह, और ऊपर के फ्लोर पर मैंने फ्लैट वगैरह सेट किया है। तो ये 40-60 की प्लॉट है और इसमें मैंने फ्रंट साइड 10 फीट साइड बैक छोड़ दिया है। बैक साइड और लेफ़्ट साइड मैंने 2.5 फीट जगह सेट बैक छोड़ दिया है, और राइट साइड में एक 30 फीट की रोड है, वहाँ पे भी मैंने 3 फीट सेट बैक छोड़ दिया था। तो ये सेट बैक छोड़ने की वजह से करीब 1700 चिल्लर कुछ स्क्वायर फीट आ रहा है प्रेजेंट अपना बिल्टअप एरिया। तो इसमें मैंने 5 शॉप सेट किया था, और जो काफ़ी बढ़िया डायमेंशन के साथ मैंने इसको सेट किया था। तो ऑलरेडी मैंने इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपको प्रीवियस वीडियो में शो किया है और सारे का सारा डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो प्रेजेंट इस आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ ऊपर का अपार्टमेंट का जो प्लान मैंने सेट किया है ऊपर, वो आपको शो करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको प्लान शो करता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपका भी कोई प्लॉट वगैरह हो, उसका कुछ प्लान वगैरह बनाना हो, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें और रिक्वायरमेंट क्लियरली मुझसे शो करें, ताकि आने वाली वीडियो में आपका प्लान बना के मैं शो कर सकूं। तो एक नज़र ग्राउंड फ्लोर पे आप प्रेजेंट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान आपको शो करूँगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल बता ही दिया है, तो यहाँ पे मैंने 5 शॉप सेट किया है इसमें, और इसमें मैंने स्टेयर गेस लिफ्ट वगैरह भी सेट किया है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको ऊपर अपार्टमेंट बन रहा है तो कंटिन्यूसली आपको लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और आप चाहे तो उसको सेलर वगैरह भी ले सकते हो। ये प्रेजेंट क्लाइंट के लिए मैंने बनाया है, जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वो जाना चाहते हैं, तो वो सेलर सजेस्ट नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसका सेलर आपको शो नहीं किया है। आप चाहे तो इस प्लान के हिसाब से एक बार ड्राइंग बना लें सेलर का भी, अगर आप सेलर लेना चाहते हैं तो। तो ये प्लान मैंने ऑलरेडी शो किया है, तो चलिए मैं आपको फर्स्ट का शो करता हूँ। तो ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, और इसमें मैंने 1 BHK के 2 पोर्शन सेट किया है फॉर रेंट पर्पज़ के लिए। या आप रेंट पे दे सकते हो, या तो फ्लैट बना के बेच भी सकते हो। तो यहाँ पे स्टेरियस के पास आने के बाद कंटिन्यूसली आपको एक फ्रंट में 8 फीट 6 इंच का कॉरिडोर लगेगा, और यहाँ से आपको इस तरफ एंट्रेंस है जो हॉल में आने के लिए। हॉल का डायमेंशन देखिए, 20 फीट ऐसे में 15 फीट 6 इंच है। इस हॉल को मैंने 2 विंडो प्रोवाइड किया है, एक फ्रंट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और यहीं पर मैंने इसका एक डोर भी प्रोवाइड किया है फ्रंट साइड में जो बालकनी में आएगा। तो ये मैंने जो इनसाइड 10 फीट मैंने ले लिया था, तो वहाँ से मैंने इसको 3.5 फीट आगे एक्सटेंड किया है बालकनी लिए। तो मैंने कैंटी रोल निकाल के 3.5 फीट इसको सामने जगह लेके यूज़ किया है। तो ये अपने प्लॉट से 6 फीट 6 इंच है अब प्रेजेंट ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हॉल के इस कॉर्नर पे यहाँ पे मैंने एक आर्च प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे आने के बाद में एक बेडरूम के लिए डोर लगेगा, एक किचन के लिए एक ओपन आर्च लगेगा, और फ्रंट साइड में कॉमन WC बात लगेगा। तो आप बेडरूम का डायमेंशन देखिए, 12 फीट 3 इंच ऐसे में 12 फीट, काफ़ी बढ़िया डायमेंशन ये सेट हो गया ये बेडरूम। और इसी बेडरूम के साथ मैंने अटैच एक बालकनी दे दिया है, और यहीं पर मैंने एक विंडो लिया है और फ्रंट साइड में एक विंडो ले लिया है। और यहाँ पर मैंने WC जो प्रोवाइड किया है वो कॉमन प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये 1 BHK है, तो मैंने इसको मास्टर अटैच नहीं किया, इसको कॉमन ले लिया है मैंने। तो उसका डायमेंशन देखिए, 8 फीट 5 इंच ऐसे में 4 फीट है, जो काफ़ी बढ़िया है। यहीं आउटसाइड मैंने इसका वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किया है। तो किचन का डायमेंशन देखिए, 12 फीट 3 इंच ऐसे में 8 फीट 2 इंच है, जो काफ़ी बढ़िया है। तो इस कॉर्नर पर आप वगैरह फ्रिज वगैरह सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली, अगर ये 2 फीट आपको सिंक भी चला जाएगा तो करीब ये 8 फीट आपको प्लेटफॉर्म इजीली मिल जाएगा।
और यहीं पे मैंने इसका विंडो भी प्रोवाइड किया है, यहीं पे एक यूटिलिटी भी प्रोवाइड किया है। तो ये बालकनी टाइप में भी हो गया और यूटिलिटी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे पैराफिट के बाद में आप इसको ऊपर कंटिन्यू ग्रिल अगर ले लेंगे सेफ्टी के लिए, तो आप इसको दोनों यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लिफ्ट का डायमेंशन देखिए, 5 फीट बाय 6.5 फीट का ये किले इनर टू इनर इसका डायमेंशन है। और यहाँ पे स्टेयरगेस मैंने जो लिया है वो 3 फीट 6 इंच का मैंने इनर टू इनर स्टेयरगेस लिया है। तो और एक फ्लैट का जो डायमेंशन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एंट्रेंस है हॉल में, और ये भी 20 फीट, ऐसे में 15 फीट 6 इंच इसका डायमेंशन है। यहाँ पे दो तरफ मैंने विंडो प्रोवाइड किया है, यहाँ पे कोई बालकनी वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि बैक साइड और लेफ्ट साइड टोटल 2.5 फीट छोड़ दिया है, वहाँ पे कुछ मैंने बालकनी वगैरह नहीं ले लिया है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे हॉल क्या है, यहाँ पे मैंने एक आर्च लिया है, और ये किचन का आर्च है, ये बेडरूम का डोर है, और सेम एज इट इज़ कॉमन WC बात है। तो इसमें थोड़ा सा बेडरूम का डायमेंशन चेंज हो गया है, 12 फीट 3 इंच, ऐसे में 11 फीट 7 इंच का बेडरूम का डायमेंशन हो गया है। यहीं पे इसको मैंने बालकोनी अटैच दिया है, जो 3 फीट बालकोनी है, और यहीं पे मैंने इसका दो विंडो प्रोवाइड किया है इस तरफ बेडरूम को। और कॉमन WC जो बात है उसका भी डायमेंशन सेम है, 8 फीट 5 इंच, ऐसे में 4 फीट, आउट साइड में यहाँ पे वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है। किचन का डायमेंशन भी एज इट इज़ सेम है, 12 फीट 3 इंच, ऐसे में 8 फीट 2 इंच, इसको भी अटैच यूटिलिटी मैंने प्रोवाइड किया है, और यहीं पे आउट साइड में इसका विंडो प्रोवाइड किया है। और प्लम्बिंग का जो भी कनेक्शन वगैरह होगा ईजिली यहाँ पे एक की तरफ से नीचे ग्राउंड को रन होगा। तो सेटबैक काफ़ी छोड़ने की वजह से इसमें मैंने 2 BHK सेट नहीं किया है, क्योंकि इसमें 2 BHK के बहुत शॉर्ट स्पेस हो रहा था, कंजेस्टेड जगह हो रही थी, जो मैंने नहीं किया है। और 1 BHK मैंने काफ़ी बढ़िया डायमेंशन साथ इसको सेट किया है। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका भी कोई प्लॉट वगैरह है नीचे कमर्शियल ऊपर रेसिडेंशियल बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके प्लॉट के हिसाब से इसको मैच कर रहा है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर लें। तो अभी के लिए बस इतना हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ कॉलम डिटेल्स लेके। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।